दामोलकर के मन की बात। बाबा केवल यही चाहते थे कि सबका भला हो। बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सत्य मार्ग पर चलने के लिए कहते, अच्छाई के लिए सबको प्रेरित करते। जो भी व्यक्ति अच्छाई की राह पर चलता, बाबा उसका हौसला और बढ़ाते। एक बार हेमांड पंत साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी गए थे। वहां पर उनके मन में यह विचार आया कि उस पावन परम स्थान पर गुरुवार के दिन राम नाम और अखंड स्मरण और कीर्तन करें। दूसरे ही दिन गुरुवार था। अपने निश्चय को याद करके बुधवार की रात वे राम नाम लेते लेते सो गए। गुरुवार को सुबह उठते ही उन्होंने राम नाम लेना शुरू कर दिया। नित्य काम से निवृत्त होकर मस्जिद में साईं बाबा के दर्शन करने गए। जब वे बूटीवाड़े के पास से गुजर रहे थे तो मस्जिद के आंगन में औरंगाबादकर नाम के भक्त संत एकनाथ महाराज का राम भक्ति बताने वाला अमंगा गा रहे थे। इसका अर्थ इस तरह था, मैंने गुरु कृपा का काजल पाया है और उसे लगाने में राम के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरे अंदर और बाहर भी राम हैं, मेरे सपनों में भी राम हैं। इतना ही नहीं, मैं जागते हुए और सोते हुए राम को ही देखता हूँ। मैं हर समय राम को ही देखता हूँ। सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला राम कण कण में बसा है और वह जनार्दन के एकनाथ का अनुभव है। यह गीत सुनते ही हेमांड पंत सोचने लगे, बाबा का खेल समझ से बाहर है। मेरे मन की बात जानकर ही औरंगाबाद से वह अमंगा गवाया होगा, नहीं तो हजारों गीत जानते हुए भी उन्होंने वही अमंगा क्यों गाया। बाबा सब कुछ करते हैं, हम तो केवल कठपुतलियां हैं और यही सच है। मैंने जो कहा जो सोचा है वह साई माँ को पसंद है। यह सोचते हुए उन्हें और भी उम्मीद मिली और यह सब मंत्र बाबा से ही मिला। ऐसा सोच के वह पूरा दिन उन्होंने राम नाम के साथ बिताया।